edge. Feel like I'm floating through the air. So welcome to yet another Adifit winter training vlog, and as promised, today we'll be hitting chest on our new मल्टीप्रेस मशीन जो आप मेरे पीछे देख ही सकते हो. एंड हमारा जो लास्ट चेस्ट वर्कआउट था दैट वाज मोर सेंटर्ड टुवर्ड्स आर मिडिल एंड लोअर चेस्ट. तो आज का जो हमारा चेस्ट वर्कआउट रहेगा वील फोकस प्राइमरली ऑन आर अपर चेस्ट. तो अपर चेस्ट पे थोड़ा सा मिडिल पार्ट ऑफ माय चेस्ट इज व्हाट आई विल फोकस ऑन. एंड आई विल कम बैक टू दिस मशीन. आई वोंट स्टार्ट विद दिस मशीन. आई विल स्टार्ट माय वर्कआउट विद बटरफ्लाई. आई विल ओपन माय मसल अप ऑन द बटरफ्लाई पेक्टिक मशीन एंड देन वील हिट दिस मशीन, टेस्ट इट आउट, see how good or bad it is. So let me start. So we are on to our last set of pec deck butterfly, aur hum already iske 6-7 set kar chuke hain. And as you can see, I don't know whether we'll be able to see or not from that angle, but we are close to the full rack. Niche se I think do plates reh gayi hain. And humne 4 se ya 5 se shuru kiya tha aur har set mein hum ek plate badhate gaye hain. And I can easily do the full rack and maybe even do 12 to 15 reps on it, but I will not, because I will keep my muscles slightly fresh for my next exercise, which is going to be incline pressing on the new multi press bench. So let me just take this set. Aur koshish rahegi main 12 se 15 rep nikalu isme, aur muscle mera already I can feel acche se khul gaya, acche se warm up ho gaya. So this will be my last set on this. So let me just do this. So finally we are on our new multi bench and we'll be starting with incline pressing. और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अभी 20 किलो लगाया हुआ है दोनों साइड पे. एंड द आइडिया इज टू इंक्रीज द वेट बाय 10 इन ईच सेट. सो सिंस हमारा पहला ये सेट है इस मशीन पे, मेरे ख्याल से 20 किलो शुड बी फाइन. इनफैक्ट मुझे लग रहा है थोड़ा लाइट ही होगा, बिकॉज मैंने ये मशीन अभी कल करवाई है 3-4 लोगों को, तो वेट अच्छा पुश हो रहा है इस पर. बट नंदलेस I'll start with 20 and keep upping the weight by 10 in each set. So let me begin. So one difference which I can immediately feel between this and doing dumbbell pressing is that जब आप डम्बल प्रेस करते हो तो जस्ट टू इंक्रीज योर रेंज ऑफ मोशन, अपना रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने के लिए आप कई बार डम्बल को नीचे लेके जाते हो ताकि आपको फुल स्क्वीज फील हो जब आप ऊपर लेके आओ. एंड इन दैट वॉट यू एंड अप डूइंग इज यू एंड अप पिंचिंग योर शोल्डर्स बैकवर्ड्स. इसमें हमें शोल्डर पिंच नहीं करने पड़ रहे, एंड बिकॉज शोल्डर पिंचिंग नहीं हो रही इसलिए शोल्डर पर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आ रहा. सो इंक्लाइन डम्बल प्रेसिंग हैवी, इंक्लाइन बारबल प्रेसिंग हैवी इज वन ऑफ द मेजर इशूज विच लीड टू अ शोल्डर इंजरी. मतलब ये दो ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसपे मैंने बहुत लोगों को गलत मारते देखा है और बहुत हैवी मारने के चक्कर में अपना शोल्डर इंजर करते देखा है. होपफुली दिस मशीन विल नॉट लीड टू दैट, बिकॉज इसका एंगल ऐसा है कि जब मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ मेरे को अपने शोल्डर पर कुछ नहीं फील हो रहा. इवन वेन आई ब्रिंग अप द वेट आई कैन नॉट फील एनी पिंचिंग ऑफ माई शोल्डर्स. सो दिस इज द रीजन विच नॉर्मली कम्स अंडर स्ट्रेस जब आप डम्बल प्रेस हैवी कर रहे होते हो और ऊपर आप एक्स्ट्रा स्क्वीज करने के चक्कर में, दिस इज वेयर यू फील द इम्पैक्ट. आई डिड नॉट फील एनी इम्पैक्ट ऑन माई शोल्डर टिल नाउ. अभी हम वेट बढ़ाएंगे तो हमें चलेगा पता कि हैवी वेट पर भी वो इफेक्ट आता है या ये ऐसे ही स्मूथ चलेगी. सो या सो द रीजन वाई आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड हिम राइट नाउ इज दैट आई कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस मशीन टू यू. यहाँ पे इसका एक पिन है. सो व्हेन ही लिफ्ट द वेट आई रिमूव द पिन, एंड वंस ही इज डन, जब ही इज रेडी टू पुट डाउन द वेट आई विल पुट बैक द पिन.
सी आई कैन नॉट स्टैंड हियर, ही कैन डू इट बाय हिमसेल्फ ऑल्सो. उसमें क्या होगा, इसका एंगल सिर्फ एक नीचे होगा. तो जब इसका एंगल एक नीचे होगा, आप जब खुद से वेट उठा रहे होगे, पीछे कोई पिन को निकालने वापस लगाने के लिए नहीं होगा, तो एज द वेट विल इंक्रीज इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर यू टू गो डाउन एंड देन लिफ्ट द वेट. दिस वे हमने इसको एक ऊपर लगाया हुआ है ताकि ही कैन लिफ्ट द वेट इजली. सो या लेट मी शो यू. चलो, सो आई रिमूव द पिन. आराम से ऊपर नीचे फुल रिंग ऑफ मोशन आ रहा है इसमें. आपको थोड़ा सा ऊपर से उसको उठाना पड़ेगा. सो दिस वर्क्स द सेम वे. थोड़ा सा एंगल हमने ऊपर रखा ताकि हमें हेवी लिफ्टिंग करते हुए इजी हो एंड इट डजंट हर्ट आवर शोल्डर्स. सो वी आर ऑन टू आवर फोर्थ सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड एज यू कैन सी हर सेट में मैंने 10-10 किलो वेट बढ़ाया है. अभी और 3-4 सेट मारेंगे इसके बाद, अभी तो हाफ में हैं. सो द पॉइंट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज दैट दिस इज गुड इनफ वेट व्हेन यू आर लिफ्टिंग ऑन स्मिथ मशीन और इंक्लाइन बेंच आप जब मारते हो विद ओलंपिक रॉड, तो ये वेट काफ़ी होता है उन दो मशीन्स पे. बट यहाँ पे ये वेट काफ़ी ईजिली लग रहा है बिकॉज आपका मोशन बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. आप स्मिथ मशीन पे जब ये एक्सरसाइज करते हो इंक्लाइन या इवन फ्री वेट पे मारते हो, जब आप नीचे आते हो इतने हेवी वेट पे, तो यहाँ पे आके आपकी जो थोड़ी बॉडी है वो लॉक हो जाती है. आपका ये जो एंगल है इट लॉक्स अप योर मोशन. यहाँ पे देयर इज नो लॉकिंग ऑफ मोशन हैपनिंग. आपका मोशन फ्री है एंड आई कैन स्टिल नॉट फील एनीथिंग ऑन माई शोल्डर. मेरा जो ये फ्रंट डेल्ट है यहाँ पे मुझे कुछ नहीं फील हो रहा. इन फैक्ट दिस इज हिटिंग अ पार्ट जो नॉर्मली शायद किसी एक्सरसाइज में हिट नहीं होता चेस्ट की, विच इज द पार्ट राइट नेक्स्ट टू योर अंडर आर्म. ये जो आउटर पार्ट है आपकी चेस्ट का, यू ऑलवेज वर्क ऑन योर अपर चेस्ट, योर मिडिल चेस्ट, योर लोअर चेस्ट, योर इनर चेस्ट, बट बहुत कम होता है कि आप अपनी आउटर चेस्ट पे वर्क करते हो, विच इज दिस पार्ट. तो ये जो मशीन है इससे ये पार्ट में मेरा काफ़ी अच्छा वर्क हो रहा है एंड आई कैन एक्चुअली फील इट टाइटनिंग अप विद एवरी पासिंग सेट. सो दैट वे दिस इज अ वेरी गुड एंगल एंड इट्स अ वेरी गुड मशीन. इट्स हिटिंग अ पार्ट विच इज नॉट एक्सप्लोर्ड इन एनी ऑफ द अदर एक्सरसाइज दैट आई डू. हाँ, डंबल करते हुए जरूर यहाँ पे आपको खिंचाव फील होता है, बट जैसे मैंने आपसे मेंशन किया था कि डंबल की भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है. जैसे जैसे आप वेट अप करते हो डंबल्स में, तो लॉट ऑफ टाइम राइट और लेफ्ट में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है आपकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ में, तो वो डिसबैलेंसिंग होती है डंबल में काफ़ी बारी. तो जो स्क्वीज आना चाहिए वो नहीं आ पाता बिकॉज यू आर एट दैट पॉइंट ट्राइंग टू बैलेंस देम आउट रादर देन फोकसिंग ऑन द स्क्वीज. आप उसको बैलेंस करने पे फोकस कर रहे होते हो, यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं करनी पड़ रही. मशीन अपने आप बैलेंस है और आप सिर्फ पूरा अपना स्क्वीज पे फोकस कर सकते हो. एंड वन अनदर गुड पार्ट ऑफ दिस मशीन इसकी, इस पे आप ज़्यादा सपोर्ट नहीं ले सकते. सपोर्ट लेने के लिए आपको किसी को यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल और पॉसिबल ऑल द टाइम. अगर दो लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑल्टरनेट करके, तो यू कैन नॉट टेक सपोर्ट इन दिस. पीछे बनना आपको सपोर्ट नहीं दे सकता. तो जितना भी आप मारोगे, आप खुद से मारोगे, यू विल रिलाय सोनली ऑन योर सेल्फ एंड योर स्ट्रेंथ टू हिट द वेट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. चाहे हो सकता है आप दो रैप कम मारो, पर वो जो दो रैप कम आप मारोगे, जितने भी आप मारोगे वो आपके खुद के होंगे. आपको ये नहीं रहेगा कि यार एंड के दो रैप में पीछे किसी से सपोर्ट ले लिया मैंने या किसी ने मुझे सपोर्ट दे दिया तो मेरे से वो वेट लग गया. मैं खुद से मारता तो मैं वो शायद वेट ना मार पाता. सो दिस इज़ ऑल यू. देर इज़ नो सपोर्ट, देर इज़ नो हेल्पिंग हैंड. वॉट एवर हाउ मेनी रैप्स यू एंड अप डूइंग, दोज आर ऑल योर रैप्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड फीलिंग टू हैव व्हेन यू आर हिटिंग हेवी चेस्ट, लेग्स, शोल्डर्स, any big muscle where you are lifting heavy. So let me take this set. 1, 2, 3, up. So like I said, this was all me, no support. Weight aur badhayenge abhi lag jayega.
तो अब मैं फिलहाल लास्ट सेट मार रहा हूँ अपना और वेट ठीक ठाक बढ़ा लिया है और इसलिए दो लोग भी खड़े कर लिए हैं हमारे पास मैन पावर है आज जिम पे, सो वी हैव पीपल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया था, अगर नहीं होते तो शायद वेट थोड़ा कम मारता या रेप दो कम मारता, बट क्योंकि लोग हैं तो जितना वेट लगेगा उतना मारूंगा एंड थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट शायद लगेगा एंड में। और बिकॉज वीडियो बन रही है देर इज़ नो म्यूज़िक प्लेइंग, अभी मैं इनफैक्ट यही बात कर रहा था कि बिना म्यूज़िक के, बिना आवाज़ के, बिना गानों के भी वेट लगता है और ये एक मिथ है कि आपको कानों में कुछ चाहिए इफ़ यू हैव टू लिफ्ट वेट। हमने जितनी बॉडी बनाई है, मैंने एक मेरे साथ ही खड़ा है, वी आर फ्रॉम ओल्ड स्कूल जिमिंग बोल सकते हो, तो हमारा जो पुराना जिम था वहाँ पे कोई गाने नहीं होते थे, कोई बातचीत नहीं होती थी, कोई आपस का इंटरेक्शन ड्यूरिंग वर्कआउट नहीं होता था, कोई करता था तो उसको डंडा भी पड़ता था, गाली भी पड़ती थी, बट दोज वर डिफरेंट टाइम्स बदल गए हैं। मे बी लॉट ऑफ पीपल विल नॉट कम टू द जिम इफ़ आई स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक, बट ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट यू नो इफ यू आर रियली इन टू योर वर्कआउट, इन टू योर सेट्स, इन टू योर वेट, यू डोंट रियली नीड समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज मोटिवेशन इनफ टू लिफ्ट वेट एंड टू हैव अ गुड सेट एंड विद दैट लेट मी टेक माई सेट। सो यार, एज यू कैन सी हमने थोड़ा सा इसका इंक्लाइन भी बढ़ा दिया यहाँ से पीछे से, अगर ये थोड़ा नीचे होता तो आई कुड नॉट हैव लिफ्टेड दिस वेट। अभी ये हाई अप है तो मैं ऊपर से उठा के नीचे लाऊंगा, कभी भी आप हेवी वेट मार रहे हो तो नीचे से उठाना मुश्किल होता है, ऑलवेज ईजियर टू लिफ्ट इट फ्रॉम अप एंड देन ब्रिंग इट डाउन। सो यार, 1 2 3 अप, नीचे खुद आऊंगा अपना हल्का सपोर्ट, 1 2 3 राहुल कम दे टू मोर तो हमारी अब बेसिकली दो एक्सरसाइज हो चुकी हैं। बटरफ्लाई किया था हमने पहले 7-8 सेट उसके एंड देन वी डिड इंक्लाइन प्रेसिंग ऑन दिस मशीन, आई थिंक 7-8 सेट उसके किए हैं। तो आज हम थोड़ा मानजी द माउंटेन मैन बने हुए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अभी थर्ड एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं विच इज़ द इनर ग्रिप सेमी इंक्लाइन प्रेस। सो इफ यू कैन सी द एंगल, इट इज़ नॉट इंक्लाइन, इट इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ सेमी इंक्लाइन। सो लाइक आई सेड, हमने लास्ट टाइम फ्लैट पे और डिक्लाइन पे फोकस किया था, आज हमारा सारा फोकस मेजरली हमारे इंक्लाइन पे है। तो इंक्लाइन पे हमने एक कर लिया, अब हम सेमी इंक्लाइन पे करेंगे एंड दिस वेरिएशन व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज समवॉट सिमिलर टू व्हेन यू डू अ बॉक्स प्रेस। एज यू कैन सी दीज बॉक्सेस, ये जो बॉक्स हैं इसमें भी लगभग सेम ग्रिप आती है, नहीं तो अगर आप जैसे दो डंबल लेते हैं और डंबल लेके उनको क्लोज रख के जब आप ये वाली प्रेसिंग करते हैं तो समथिंग लाइक दैट, दैट इज टू क्लोज। ये हमारा एंगल थोड़ा सा वाइड है, सो अभी मैं जब करूँगा तो आप देख सकते हो। वैसे आई हैड मेंशन इन माय प्रीवियस वीलॉग कि ये इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट एंड सेमी इंक्लाइन, इस पे चारों एंगल होते हैं, तो आज हम चारों एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सिर्फ इंक्लाइन और सेमी इंक्लाइन एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ्लैट एंड डिक्लाइन मे बी इन माय वन ऑफ माय लेटर वीलॉग्स आई विल एक्सप्लोर। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। सो दिस इज द इनर ग्रिप, हमने इंक्लाइन जो मारा था वो यहाँ से मारा था, अभी हम इसको अंदर पकड़ के मारेंगे एंड वी ट्राई एंड गो स्लो विद दिस। जितना स्लो ऊपर और नीचे मोशन करेंगे उतना हमारे मसल पे आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं नीचे स्लो ला रहा हूँ और ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोसिव पुश दे रहा हूँ, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। इसके हमने दोनों जो एंगल्स हैं वो एक्सप्लोर किए, अभी इंक्लाइन भी और सेमी इंक्लाइन भी, और अभी तक मेरे शोल्डर पे कहीं कुछ नहीं आया है। और ये जो मैंने अभी एक्सरसाइज की है, दिस इज़ आल्सो गुड फॉर पीपल जिनकी अपर चेस्ट भरती नहीं है, जिनको शायद ये शिकायत है कि हमारी चेस्ट फ्लैट रहती है या थोड़ी इनफैक्ट अंदर को धसी हुई भी रहती है। व्हेन यू आर वेरी यंग, 19-20, आपका मसल अभी भरा नहीं होता, तो लॉट ऑफ टाइम्स
you might think that you have a really flat chest या even inverted chest, which is also called a pigeon chest. But this exercise will help you in filling up your chest muscles, especially your upper chest. तो जो अभी मैंने आपको पिछले अपने क्लिप में बताया था that this is also hitting the outer part of my chest, which is close to my underarm. तो यहाँ से ये भरना शुरू करेगी आपकी chest को and till your upper part. तो incline dumbbell हो गया, incline barbell हो गई, इस मशीन पे इंक्लाइन हो गया, सेमी इंक्लाइन हो गया, ऑल दीज एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू इन अपलिफ्टिंग योर चेस्ट. इवन पुलओवर्स, पुलओवर बहुत अच्छी और शायद बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज है. अगर आपको अपनी चेस्ट उठानी है, भरनी है, तो आप पुलओवर ज़रूर किया करो, एंड इफ पॉसिबल ट्वाइस अ वीक, वन टाइम विद योर चेस्ट, वन टाइम आइदर विद योर बैक और योर शोल्डर. तो पुलओवर इज़ अगेन अ ट्राइड एंड टेस्टेड, बहुत पुरानी एक्सरसाइज है, आर्नल्ड से लेके आज तक सब लोग जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, दे ऑल डू गुड अमाउंट ऑफ पुलओवर्स बिकॉज दे नो द इम्पैक्ट इट हैज. आपकी बैक खुलती है और आपकी चेस्ट को अपलिफ्ट करती है. सो या, सो वील डू अनदर 4-5 सेट्स ऑफ दिस एंड देन आई मूव ऑन टू माई नेक्स्ट एक्सरसाइज. So we are done with our last set of this exercise and chest मेरी pump हो के बहुत आगे तक आ गई है. I wish I could take this off and show you, but अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला. अगले एक सवा महीने तक ये हुडी ऐसी ही रहेगी और जब समर्स आएंगे, जितनी भी हम अभी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी हम वेट मार रहे हैं, जितना हम घुस के वेट मार रहे हैं, इस सब का जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है, इट विल कम आउट वेन समर्स कम, इवन बिफोर समर्स एक्चुअली. By Feb and March is when the hoodie will come off. So tab tak sirf uske weight marenge and let's move on to our next exercise, which will again focus on our inclined chest, which is our motive for the day. तो मैं अभी आपसे पुल ओवर की बात कर रहा था और हमने लास्ट टाइम जो चेस्ट वर्कआउट किया था उसमें हमने डम्बल पुल ओवर किए थे. तो आज जो मैं करने जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड इंक्लाइन बेंच केबल पुल ओवर्स. And मतलब it's just a random name. I'm sure it has a proper name as well, but this is what I like to call it. So अगर आपको डम्बल पुल ओवर करने में कोई भी दिक्कत आती है, सपोज आपको कुछ इंजरी हुई है, लाइक आई गेट पीपल हुआ बैक इंजरीज और वो थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं पुल ओवर करते हुए कि हमारी बैक खिंचेगी, या अगर किसी को शोल्डर इंजरी भी चल रही है, यू नो दिस पार्ट ऑफ देयर शोल्डर इज इंजर्ड, सो इवन दे आर स्केप्टिकल बिकॉज जब पीछे आप लेके आते हो डम्बल तो काफ़ी इम्पैक्ट आपके शोल्डर पर भी आता है. सो दिस इज़ अ गुड एक्सरसाइज. अगर आप डम्बल पे सपोज नहीं कर पा रहे हो पुल ओवर, तो आप ऐसे कर सकते हो पुल ओवर. और मैं महीने में 2 बार ही ये करता हूँ, क्योंकि जो इसका इम्पैक्ट आता है खासकर अपर चेस्ट पे इज़ जस्ट लाइक टोटली इट हिट्स द मसल, स्पेशली एट द एंड ऑफ योर वर्कआउट. एंड ऑल्सो जो पुली की वजह से टेंशन रहती है, जैसे डम्बल में तो आप खुद डम्बल को कंट्रोल कर रहे हो, जिस हिसाब से आपको उसको नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके आना है, यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट. बट यहाँ पे एक यू नो पुली का अपना एक मोशन होता है विच इज़ पुलिंग द वेट बैक. एंड दिस इज अगेन एन एक्सरसाइज जिसपे आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं मार सकते, जैसे कि आप डम्बल पे तो 25 का, 30 का, 35 का भी डम्बल मार देते हो, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं मार पाओगे. बट दैट इज़ द फन पार्ट ऑफ इट, कि विदाउट डूइंग टू मच वेट आपका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो उतना ही आ रहा है जितना शायद डम्बल पुलओवर में आएगा. और इसमें आपकी बैक बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होती बिकॉज पीछे बेंच का एंगल ऐसा है कि उस पर आपकी बैक एक्टिवेट हो ही नहीं सकती. फ्लैट बेंच पे फिर भी जब आप डम्बल से पुल ओवर करते हो तो आपकी बैक भी थोड़ी खुलती है जब आप ये पीछे वाला मोशन लेके जाते हो. बट यहाँ पे क्योंकि आप पीछे नहीं जा सकते बहुत ज़्यादा, बेंच का इंक्लाइन ऐसा है, तो इट डजंट एक्टिवेट योर बैक टू मच. सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ आई डू दिस एक्सरसाइज. सो यू एक्चुअली डोंट नीड एनीवन, आप खुद ही थोड़ा सा बेंच पे ऊपर हो गए एंड यू कैन होल्ड इट. मैंने थोड़ी सी वाइड ग्रिप ली है इसमें, बट नैरो ग्रिप में भी हो जाता है. एंड आप देख सकते हो जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा अपनी चेस्ट को आउटवर्ड पुश कर रहा हूँ, तो सो दैट आई कैन फील द स्क्वीज इवन मोर.
तो क्योंकि हम आज इंक्लाइन चेस्ट स्पेसिफिक वर्कआउट कर रहे हैं, तो मैं जब भी इंक्लाइन चेस्ट स्पेसिफिक वर्कआउट करता हूँ, दिस एक्सरसाइज इज अ स्टेबल पार्ट ऑफ दैट वर्कआउट. सो या यू कैन ऑलवेज इनकॉर्पोरेट इट इन योर नेक्स्ट चेस्ट सेशन व्हेनेवर यू हिट इट. सो अब हम आ गए अपनी लास्ट इंक्लाइन स्पेसिफिक एक्सरसाइज पे, विच इज इंक्लाइन डंबल प्रेस. और इसके हम 4-5 सेट मारेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने और एक्सरसाइज करनी है आज या ये मार के बस कर देना है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम लेफ्ट. And what I want to tell you is that I had made a video about workout hacks some time back. और वो अभी edit नहीं हुआ, थोड़ा उसको time लग रहा है edit होने में. And in that video I am basically telling you about how you can maximize your gains naturally. तो आप कौन सा body part किस body part के बाद मारोगे, या आपका जो workout schedule है week का उसको आप क्या रखोगे या कैसे रखोगे, तो maximum gains आप कर पाओगे gym में. सो ये मेरे को अभी इसलिए याद आ रहा है बिकॉज हमने जैसे कल लेग्स मारे थे, विच वॉज अ मंडे एंड टुडे इज ट्यूजडे, एंड एज यू कैन सी मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है चेस्ट करते हुए. मैं अभी भी थका नहीं हूँ, आई एम फीलिंग फ्रेश एंड आई कैन स्टिल गो ऑन फॉर अनदर 1/2 hour 45 minutes. एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू माई येस्टरडेज लेग वर्कआउट, विच वॉज अ वेरी हैवी वर्कआउट. और आप जब लेग्स मारते हो तो क्या होता है कि आपका जो टी लेवल्स हैं वो बूस्ट होते हैं, एंड इट इन आपको जो अगले दिन आप वर्कआउट करते हो उसमें वो आपको एड करता है. सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग टू मी राइट नाउ आफ्टर माई लेग वर्कआउट यस्टरडे. मेरा लोअर बॉडी आज बिल्कुल भी, मतलब यू नो आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑफ माई लोअर बॉडी टूडे, सारा कुछ मैं अपर बॉडी पे अपना इम्पैक्ट डाल रहा हूँ. और ऐसे ही और भी बॉडी पार्ट्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बॉडी पार्ट्स हैं. सपोज एक दिन आप बैक मारते हो तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो दिस इज ऑल देयर इन दैट वीडियो. होपफुली इट विल गेट एडिटेड सून and I'll share it with you, maybe as a vlog, maybe separately. So yeah, so let me just take this set, and this is my last exercise for my incline chest. So let's go. This was 17.5, next will be 20, then 22.5, then I'll see whether मैं 25 करूँगा या बस कर दूंगा. So yeah. So finally we are done with our incline chest specific workout for the day, and I hope you enjoyed this vlog and all the exercises that I showed you on our new multi bench machine. And I'll come back with more soon. And can you just guess what the next workout is going to be? Hint. सो या हम जल्दी आएंगे अपने नेक्स्ट वर्कआउट के साथ, नेक्स्ट वीलॉग के साथ. एंड इन द मीन टाइम यू कैन शेयर दीज वीलॉग्स विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, पीपल हु आर इनटू फिटनेस, इनटू वर्किंग आउट, इनटू एक्सरसाइजिंग, एंड पीपल हु आर ऑलवेज लुकिंग टू सॉर्ट ऑफ चेंज अप देयर वर्कआउट रूटीन्स, बिकॉज सी एवरीवन गेट्स बोर्ड बाय डूइंग द सेम वर्कआउट्स इन द जिम. आई थिंक देयर इज नो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल फॉर इट, बट इट कुड प्रॉबली बी द नंबर वन रीजन व्हाई पीपल लीव जिमिंग, बिकॉज दे गेट बोर्ड एंड इट बिकम्स मोनोटोनस फॉर देम. So it's very important that you keep changing your routines, your workouts, your schedules, the kind of exercises that you do, like I do. And yeah, and also in the meantime, please aap wo bell icon ka button zarur dabao, because lot of times I get people who tell me ki aapka agla vlog kab aa raha hai, aur maine ghanta do ghanta pehle hi wo vlog upload kiya hota hai, to wo unko notification nahi aata uska. So for that purpose, if you are watching these vlogs, kindly subscribe and also just press that bell icon button so that you can get an update whenever I upload a new vlog. So thanks again for watching, and I'll be back with more. So see you soon and stay tuned.